प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बीजापुर जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बच्ची की मौत, कुछ माओवादी और डीआरजी के जवान घायल। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज रायपुर के निजी अस्पताल पहुंचे, आईईडी ब्लास्ट में जवान घायलों से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आर्थिक विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी बढ़कर लगभग 150 हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से अब तक देश के प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई की क्षमता भी दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई व्यापारिक समझौते किए हैं, जिससे भारतीय माल और सेवाओं को नए बाजार खुलेंगे और देश के युवाओं के लिए अनगिनत अवसरों का निर्माण होगा। This is the best time to be young in India. Make the most of this time to make our country to new heights. Enan Madav Kudumbame, some of you may be thinking that today is the end of university life for you. That may be true, but it is not the end of learning. You will not be taught by your professors anymore, but life will become your teacher. In the spirit of constant learning, it is important to proactively work on unlearning, reskilling and upskilling. Because in a rapidly transforming world, either you drive change और चेंज ड्राइव्स यू। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट द यंग पीपल ग्रेजुएटिंग हियर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। मिक्क ननरी। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी और उच्च शिक्षा से संबंधित 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। गरीबों के घर में भी एलपीजी जैसी सुरक्षित ईंधन के खाना पके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का दायरा बढ़ते बढ़ते लगभग 11 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। 30 दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10,88,977 कनेक्शन जारी किए गए। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 1 जनवरी 2024 तक 10,14,347 लोगों ने आवेदन किया है। महिलाओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों से ये स्पष्ट होता है कि महिला पीएम उज्ज्वला योजना वास्तव में एक गेम चेंजर रही है, जिसने महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, कमिश्नर समेत जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली है। बैठक में ट्रक चालकों के देशव्यापी हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ के हालातों की जानकारी ली और प्रदेश में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से अपील भी की है कि लोग बेवजह घबराने से बचें, सरकार समुचित व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है।
नई पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न चार प्रकार के जुर्माने लगने के प्रावधान का विरोध करते हुए कल ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब टक्कर मारने के बाद भाग जाने के मामलों में 7 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल का प्रावधान है। आज दूसरे दिन की हड़ताल में छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बीच दुर्ग जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप प्रभारी शेख मुस्ताक ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन तथा ऑयल कंपनी की ओर से नियमित पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा रही है। दुर्ग जिला एक वीआईपी जिला है और यहाँ पर पेट्रोल डीजल की व्यवस्था हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, ये छत्तीसगढ़ के जो हमारे इंडियन ऑयल के जो इंचार्ज हैं इंडियन ऑयल के, उनसे संपर्क करके हमारे पुलिस पेट्रोल पंप में ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पे कंटिन्यू जो है पेट्रोल टैंकर आ रहा है और हमारा पंप जो है कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक बंद की स्थिति नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रकार की गाड़ी में फ्यूल की कमी ना हो, दुर्ग भिलाई वासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मेहनत से और उनके द्वारा जो इंडियन ऑयल डिपो के जो मेन प्रभारी हैं उनसे चर्चा करके हमें लगातार पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो रही है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है पेट्रोल डीजल की। इस तरह प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास प्रशासन की ओर से कराए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर जिले में कल शाम पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। गंगालूर थाना क्षेत्र के मुंतवंडी गांव के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। वहीं दोनों की ओर चली गोलीबारी के दौरान 1 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। इस घटना में बच्ची की मां घायल हो गई है। इस बारे में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभव बानकर ने बताया कि पीड़ित परिवार की सहायता के लिए पुलिस के जवान घटनास्थल पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शाम के 5 बजे जिला बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुठवेंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुठवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके माँ की गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ में बैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रा नाय एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आस पास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कुछ लोग घायल हुए हैं। फिलहाल डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान आसपास के इलाकों में सर्चिंग कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज सवेरे राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने पिछले माह बस्तर इलाके में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मुलाकात की। श्री शर्मा ने जवानों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पुलिस के चार जवान अरविंद एक्का, कुंजाम जोगा, रोशन हिकमी और सुरेश कुमार मिच्छा तथा सीएपीएफ के जवान इंद्रजीत प्रसाद सिंह मणिकांदन का इलाज चल रहा है। श्री शर्मा ने घायल जवानों से कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने चिकित्सकों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार विमर्श किया है। इस अवसर पर आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब, डीजीपी अशोक जुनेजा, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दुर्ग जिले में स्थिति शिवनाथ नदी पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 दीयों की आरती की गई। नए साल का पहला दिन शिवनाथ नदी पर भक्तिमय माहौल में गुजरा। धर्म और आस्था के इस केंद्र में 11 पंडितों ने आरती की। इस दौरान भक्तों का मेला लगा रहा। शिवनाथ महोत्सव के बारे में आयोजनकर्ता वरुण जोशी ने बताया कि नए साल के पहले दिन शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नमामि गंगे नदियों के संरक्षण के जो लेके चल रहे हैं मिशन को, उस मिशन के तहत हम भी वही काम कर रहे हैं कि हम जिस नदी की पूजा करेंगे वो नदी को हम गंदी नहीं करेंगे, ये लेके हम चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये और भव्य होते जाएगा। इस आयोजन का ये चौथा साल है। अब ये हमने शुरुआत की है, आने वाली पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ाती रहेगी। और हम आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर देख रहे होंगे तो हम यही कहेंगे उनसे कि नदियों को साफ करने का आप संकल्प लिए हैं, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल शिवनाथ महोत्सव में शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि यहां हर साल ये आयोजन होता है। यहां जो भक्ति भाव, जो सनातन धर्म पूरे देश में फैल रहा है, उसके प्रति लोगों में श्रद्धा जाग रही है। हमारे दुर्ग से भी ये संदेश जाएगा इस आरती के माध्यम से। और जिस तरह 22 जनवरी को रामलला के पट खुलेंगे, दर्शन होगा, उसकी मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस भव्यता के साथ हमारा ये कार्यक्रम भी और भव्य होगा। कार्यक्रम में शामिल भक्तों ने कहा कि यहां आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। यह सर कि हम आज के दिन अगर दीप जला रहे हैं तो साल भर हमको एक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर। मतलब हम अपने घर में और यहाँ पर जब आए हैं तो मेरे को बहुत अच्छा, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे को बहुत, मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है। इस आरती को देखने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शिवनाथ महोत्सव का आनंद उठाया। अब कुछ खबरें जिलों से। रायगढ़ में लॉयंस क्लब की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगारंग नव निशा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पारिवारिक मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें इंडियन आइडल, लाफ्टर चैलेंज के साथ ही कोलकाता और मुंबई से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। अग्रोहा धाम में हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में इंडियन आइडल सिंगर पूजा ठाकुर ने नए पुराने फिल्मी गाने गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं लाफ्टर चैलेंज से ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल ने कॉमेडी से लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने वाहन चालकों की हड़ताल को देखते हुए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले के पेट्रोल पंपों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने को कहा। श्री भूरे ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह में न आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बीजापुर जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बच्चे की मौत, कुछ माओवादी और डीआरजी के जवान घायल। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज रायपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से की मुलाकात।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।